बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कीमे के समोसे बनाने की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने मैदा लिया हुआ है 200 ग्राम्स के करीब, और इसमें मैंने एक पिंच अजवाइन डाल दी है। अजवाइन ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट नहीं पसंद है तो ना डालें। और मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक डाला हुआ है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल या घी डालने के बाद जब आप आटे को मिक्स करेंगे तो वो इस तरीके से होना चाहिए, इतना आप तेल या घी डालें। अगर आप इस तरह इकट्ठा नहीं हो रहा है तो आप और बढ़ा दें क्वांटिटी तेल या घी की, क्योंकि जब तक मोयन सही नहीं होगा तब तक हमारे जो समोसे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हम इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें इसमें, क्योंकि इसका जो डो है वो काफ़ी हार्ड सा बनता है। समोसों का डो बन करके रेडी है। इसे जितना आप हार्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से उतना ज़्यादा हार्ड ही रखें, इसे सॉफ्ट ना होने दें, वरना आपके समोसे बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब हमें आधे घंटे के लिए तकरीबन डो को रेस्ट देना है, तो जब तक कि हम डो को रेस्ट देते हैं दूसरे साइड हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं समोसों की। यहाँ पर मैंने पैन में घी गरम कर लिया है, ये मैंने लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून घी है ये। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, या फिर बटर हो तो बटर भी डाल सकते हैं। घी हमारा गरम हो चुका है। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक नहीं दरदरा सा ग्राइंड कर लिया था, तो अब हम उसमें ये डाल देते हैं। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करेंगे। ध्यान रखें कि तेल या घी की क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा ना रखें, क्योंकि अगर आपने तेल या घी ज़्यादा डाल दिया तो जब आपके समोसे फ्राई करेंगे आप, तो वो फिलिंग्स का जो ऑयल होगा वो बाहर आने लगेगा, और इससे आपके समोसे का लुक भी ख़राब होगा और टेस्ट भी। प्याज में हमारे अच्छा सा कलर आ गया है, तो अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा मैंने यहाँ पर 150 ग्राम के करीब लिया हुआ है। ये मैंने चिकन का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे बहुत अच्छे से प्रेस करते हुए स्पैटुला से इस तरीके से आप अच्छे से भून लें। आप चाहें तो कोई वेजीज अगर आप डालना चाहते हैं अपनी पसंद के तो वो भी डाल सकते हैं, मटर या फिर कैप्सिकम वगैरह कुछ भी। यहाँ पर मैंने बिल्कुल एक छोटे साइज़ का टमाटर कट करके डाला है, फाइन सा चॉप करके, ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से, आपको अगर नहीं पसंद है तो ना डालें। 1/4 टीस्पून अब हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल के इसे ढक करके अच्छे से गलने तक के पका लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि कीमा है, इसे गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कीमा हमारे यहाँ अच्छे से गल गया है, तो अब हम जो इसका बचा हुआ पानी है वो भी ड्राई कर लेंगे। इसमें अब हम थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डालेंगे। हमें सिर्फ इसमें हरे धनिया की पत्तियाँ डालनी है, जो डंठली है उसकी वो नहीं डालनी, उसे हटा देना है। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम डो देख लेते हैं। 1/2 घंटा हो चुका है आटे को रेस्ट करते हुए, तो अब हम इसे अच्छे से पंच करके एक बार फिर से गूंथ लेंगे, और उसके बाद इसकी लोइयां बना लेंगे। हमने इसकी लोइयां बना ली हैं। लोइयां जो हमें इसके बनानी है तो वो हमें बनानी है रोटी जो हम बनाते हैं घर में, जितनी बड़ी रोटी की लोई लेते हैं उससे उसके बराबर ही लेनी है। अब हम इन लोइयों को 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि हमें जब बेलेंगे तो वो आसानी से बढ़ सके, क्योंकि काफ़ी हमने हार्ड सा डो बनाया है तो इसे बेलने में काफ़ी दिक्कत आती है, मुश्किल लगती है। तो इसलिए इसे अगर आप रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए तो ये काफ़ी आसानी से बेलेगी और काफ़ी आसानी से बढ़ेगी। 15 मिनट हो गए हैं इसे रेस्ट देते हुए, तो अब हम इसे बेल लेंगे। इसे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आपसे आप इसे पतला बेलिए। देखिए हमने इसे बिल्कुल बारीक बेल लिया है, अब हम बीच से इसे कट कर लेंगे। अब हम इसकी फोल्डिंग की प्रिपरेशन करते हैं। इसमें हम यहाँ पर पानी लगा लेंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए, पेस्ट हो जाए, और इसकी फोल्डिंग खुले ना फ्राई करने के दौरान। ये देखिए इस तरीके से करना है। इसे अच्छे से दबाते हुए फोल्ड कर लें। अब इसमें हम अपनी फिलिंग यानी कि कीमा भर लेंगे। कीमा बहुत ज़्यादा मत भरें, वरना फिर फ्राई करने में आपको प्रॉब्लम होगी और इसकी फोल्डिंग में भी दिक्कत आएगी। तो अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। पहले तो ऐसे, ये देखिए
ऐसे करेंगे, ये इसे दबा देंगे हल्के हाथों से, और उसके बाद इस तरीके से कर लेंगे। ऐसे हमें फोल्ड करना है समोसों को। ये देखिए हमारे समोसे फोल्ड हो गए, तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए, तो अब तेल गर्म हो गया है, अब हम डाल लेंगे इसमें समोसे फ्राई करने के लिए। फ्लेम आपकी मीडियम टू लो होना चाहिए ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखिए समोसे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी क्रीमी के समोसे बनकर के बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे ज़रूर से इन रमज़ानों में ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएंगे आपको। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अब तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि मेरी सारी की सारी वीडियो अपडेट्स आपको मिल सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको ढेर हो, खुशियां दे। अल्लाह हाफिज़।